नमस्कार दोस्तों, चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम अपने ट्रेनिंग सेक्शन में लेकर के आए हैं ओपनिंग वीडियोस। जी हाँ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज से हम जो है ओपनिंग वीडियोस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के इस ओपनिंग वीडियोस से हम जानने जा रहे हैं किंग्स इंडियन ओपनिंग के बारे में। किंग्स इंडियन अटैक दरअसल इसे कहा जा सकता है, जो कि सफेद मोहरों से खेला जाता है, मतलब व्हाइट पीसेस से आप इसे खेलते हैं। और दरअसल दोस्तों, इस ओपनिंग को खेलने का मेरा अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है। इवन कई बार मैंने ग्रैंड मास्टरों से भी मुकाबले इसमें ड्रॉ खेले हैं, कई अच्छे खिलाड़ियों को पराजित भी किया है। साथ ही साथ इस ओपनिंग के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रैंड मास्टर नाइजल डेविस का, जो कि इंग्लैंड के ग्रैंड मास्टर है, और उनके थ्रू मैंने इस ओपनिंग को सीखा था और इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल मैंने अपने खेल जीवन में किया। मुझे लगता है कि जो भी खिलाड़ी, मैं कह सकता हूँ तकरीबन 1800 1900 या इवन 2000 रेटिंग तक के खिलाड़ी जो है इस ओपनिंग का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, और आप जो है इससे अच्छे परिणाम भी पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फिशर जैसे महान खिलाड़ियों ने भी इस ओपनिंग को अपनाया। और खासतौर पर इस ओपनिंग की सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग किस तरह से शुरू होती है। इसका एक सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल कि हम नाइट F3 से शुरुआत करते हैं और इफ सामने वाला D5 से रिप्लाई करता है तो आई विल गो विद G3 एंड इस, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि काला क्या खेल रहा है। सब काले मोरों से जो ब्लैक पीसेस से खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कैसा खेलने वाले हैं, हमारा एक सेटअप है, हम उस सेटअप में जाने की कोशिश करेंगे। और बाद में कोशिश ये रहेगी कैसल करने के बाद कि अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है, आप देख सकते हैं कि D3 और E4 करते हुए सपोर्ट नाइट D2 को लेकर के इसमें जो है खेल आगे बढ़ेगा। तो ये सिर्फ एक आपको बताने का तरीका है कि ये जो ओपनिंग है ये पूरी तरह से वेरिएशन पे निर्भर नहीं है कि अलग अलग वेरिएशन अलग अलग लाइन है। ये निर्भर करती है प्लान और आइडियाज, आपके पास कैसे प्लान्स हैं और आप कैसे आइडियाज जो है इस ओपनिंग में लगाते हैं। साथ ही साथ इस ओपनिंग में आप बेहतर हो पाएंगे जब आप बहुत सारे गेम्स जो है वो देखेंगे, अलग अलग खिलाड़ियों के, इवन आप जो है मौजूदा खिलाड़ियों के भी जो है गेम सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से बदलाव आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ओपनिंग आपको एक मौका देती है उन खिलाड़ियों को जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है तैयारी करने का, बहुत ही डीप मेन लाइन तैयार करने का। तो इवन अभी भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स भी हैं जो जिसका कभी कभार और कई तो रेगुलर इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इस ओपनिंग की खासियत यह है कि आप इसको कई ऐसी ओपनिंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर E4 खेला और सामने वाला जो है E6 रिप्लाई करता है तो यकीन मानिए कि आप इसमें भी किंग्स इंडियन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दूं कि बॉबी फिशर ने फ्रेंच के अगेंस्ट जो है किंग्स इंडियन का काफी अच्छा इस्तेमाल किया। हम आने वाले समय में उनके कुछ मुकाबले भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप आगे जा सकते हैं कुछ इस तरह से, सॉरी E4 E6 और यहाँ पर जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं D3 करते हुए। अगर D5 रिप्लाई करते हैं तो नाइट BD2 और नाइट F6, नाइट GF3 और आने वाला जो समय है फिर से जो है हम जो है इसमें आप देख सकते हैं कि फिर कुछ उसी तरह से हम खेलेंगे G3, बिशप G2, कैसल और फिर कुछ जो है अलग अलग हम गेम्स देख सकते हैं। तो फ्रेंच के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, सिसिलियन के अगेंस्ट अगर कोई E4 पे C5 खेलता है तो यहाँ पर भी जो है आप किंग्स इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप तुरंत जो है नाइट F3 निकाल सकते हैं। अब अगर कोई E6 करता है यहाँ पे भी जो है ये फ्रेंच के जो, सॉरी अगर कोई E6 करेगा तो ये फ्रेंच के जो वेरिएशन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी D3 करते हुए। अगर इसका रिप्लाई कोई D5 करेगा तो वहां कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर जो है D6 करके खेलता है तो भी एक बहुत अच्छा तरीका है किंग्स इंडियन में एंटर करने का, और जिसका मैंने एक दो बार सक्सेसफुली इस्तेमाल भी किया है कई एमेच्योर खिलाड़ियों के खिलाफ, वो है C3। अब अगर यहाँ पे कोई नाइट F6 खेलता है तो आप यहाँ पर G3 भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट इंटू E4 आप नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्वीन E4 चेक आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है खेलने का, मतलब सिसिलियन के खिलाफ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरोकॉन E4 पे अगर कोई C6 खेले इस पे भी आप किंग्स इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में आपको इसमें एक बहुत अच्छा गेम भी दिखाऊंगा अपना भी और कई अच्छे खिलाड़ियों का भी, ग्रैंड मास्टरों का, मजबूत खिलाड़ियों का। तो यहाँ पे भी आप किंग्स इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दरअसल अगर आप देखें तो E4 पे E5 को अगर हम छोड़ दें और E4 D5 को छोड़ दें तो बाकी सभी की सभी जो ओपनिंग की लाइन है E4 के अगेंस्ट उसमें आप किंग्स इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार जैसे आप जो है किसी को ओपनिंग से बाहर रखना चाहें और नाइट F3 से शुरुआत करना चाहें तो इसमें भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं किंग्स इंडियन ओपनिंग का। तो ये अलग अलग सेटअप हैं, अलग अलग तरीके हैं, और खास अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी खेल देखने के लिए मिलेंगे किंग्स इंडियन ओपनिंग में वो सारे के सारे अटैकिंग गेम होंगे, मतलब आक्रामक गेम होंगे जहां पर आपको मौका मिलेगा अटैक करने का,
कई बार सेक्रीफाइस करने का और कुछ मटेरियल गेन करने का, या कई बार चेक एंड मेट डिलीवर करने का। तो हम चलिए आगे देखने वाले हैं किंग्स इंडियन ओपनिंग में कुछ गेम्स अलग अलग ग्रैंड मास्टरों के। तो ये सीरीज हम लंबी चलाएंगे और हर बार जो है हम कुछ गेम्स और कुछ वेरिएशन को चूज करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दुनिया के उस खिलाड़ी का गेम जिसे दुनिया अब तक सबसे ज्यादा प्यार करती है, बॉबी फिशर का मुकाबला। तो देखते हैं बॉबी फिशर कैसे किंग्स इंडियन ओपनिंग में खेलते थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं बॉबी फिशर का वो मैच जिसको देखने के बाद आपको यकीन मानिए किंग्स इंडियन से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, किंग्स इंडियन से आपको प्यार हो जाएगा। दरअसल ये मैच बॉबी फिशर ने खेला था 1967 में, 1967 में इंटरजोनल मुकाबले थे और उसमें मैक मिजोरन को पराजित किया था उन्होंने। और ये खेल देखने के बाद यकीन मानिए जब पहली बार मैंने भी ये गेम देखा था तो मुझे लगा कि शायद किंग्स इंडियन ओपनिंग जो है वो मेरे लिए ही बनी है। ऐसा हर किसी को लगेगा और ये किसी भी ओपनिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप उत्साह महसूस करते हैं, आप कुछ लगाव महसूस करते हैं किसी ओपनिंग से, तो उसको आपको सीखने में और उसमें मेहनत करने में आपको आसानी होती है। तो आइए देखते हैं ये ऐसा मुकाबला जो शायद किंग्स इंडियन का मुझे लगता है आज तक का खेला गया सबसे बेहतरीन मुकाबला है और क्या फिनिश था आप देखेंगे। तो गेम शुरू हुआ यहाँ पर e4 से, जवाब दिया e6, d3, d5, जैसे कि हमने बात की किंग्स इंडियन में हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही आप देखिए जब भी d5 आया और आपके पॉन पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटैक है, तो आपको नाइट d2 से ही सपोर्ट जो है आपको लगाना है ताकि ये सपोर्ट आपके पास रहे। ओके, तो खेल आगे बढ़ा, नाइट f6, यहाँ पर फिशर ने खेला g3, नाइट gf3 भी यहाँ पर खेला जा सकता है पर उस मैच में g3 हुआ, c5। आप देख सकते हैं कि अब ये जो ओपनिंग है वो फ्रेंच से सिसिलियन जैसे भी आपको लगेगा कि कन्वर्ट हो गई है। तो अल्टीमेटली किंग्स इंडियन का ये जो वेरिएशन है ये दोनों ही ओपनिंग में जो है खिलाफ इस्तेमाल होता है और इस तरह की पोजीशंस दोनों में आती है, बिशप g2, नाइट c6, नाइट gf3। तो आप देख सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि काला बोर्ड पे बहुत जो काले मोहरे से खिलाड़ी वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, सफेद जो है जो उसका स्ट्रक्चर है उसको पहले कंप्लीट कर रहा है। एंड नाउ कैसल। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फेस आता है खेल का, जब भी जैसे अपोनेंट जो है कैसल कर लेता है तो फिशर ने यहाँ पर e5 खेला। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी कोई कैसल कर लेगा तभी आपको जो है सेंटर क्लोज करना है, तभी आपको जो है e5 खेलना है। जब तक अपोनेंट कैसल ना कर ले तब तक e5 जो है वो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप सेंटर क्लोज कर देंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में अगर किसी ने कैसल नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सामने वाले ने कुछ यूं खेला और आपने यहाँ पर e5 करके सेंटर को क्लोज करने की कोशिश की, तो ये बहुत संभव है कि बाद में आपके ऊपर ही यहाँ से जो है उल्टा जो है आक्रमण शुरू हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा संभल के रखिएगा, जब अपोनेंट शॉट कैसल कर ले तभी आपको जो है सेंटर को क्लोज करना है। तो उस मैच में क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, कैसल e5, नाइट d7 आए वो वहां पर, निश्चित तौर पर रुक e1, b5। अच्छा, आपको कई मैचों में ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि लोग जो है क्वीन c7 आएंगे तो आपको क्वीन e2 से सपोर्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। नाइट d4 को लेकर के परेशान मत होएगा क्योंकि ये उतनी अच्छी चाल यहाँ पर नहीं है। तो खैर देखते हैं हम कि गेम में क्या हुआ। तो गेम में b5 खेला गया, नाइट f1। नाइट f1 के पीछे काफी सारे जो है उद्देश्य हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में मैच 4 खेलेंगे, नाइट h2, नाइट g4 पे जाएगा और उसके बाद ये जो बिशप है आपको f4 पे नजर आएगा। f4 के पीछे कंट्रोल पे कि हम g5 स्क्वायर को कंट्रोल में करते हैं, तो कभी अगर काला चाहे राजा को हट करके यहाँ से आक्रमण करना तो वो ना कर सके। और फिर अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो 5 मोहरे आपको दिख रहे हैं, 6 मोहरे, ये पार्टिसिपेट करेंगे किस तरह से इस गेम में और वाकई इस खेल को एक अलग ही स्तर पर जो है ले जाएंगे। देख सकते हैं आप कि सफेद जो है वो राजा की तरफ आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है हिस्से में, जबकि काले मोहरे से जो खेल रहे खिलाड़ी हैं उनकी पूरी कोशिश है कि क्वीन साइड से जो है काउंटर अटैक किया जाए। तो चलिए देखते हैं गेम आगे कैसे बढ़ा। उन्होंने b4 खेला मैक मिजोरन ने, तो फिशर ने यहाँ पर h4 खेला, a5। तो फिशर ने यहाँ पर बिशप f4 जो है वो भी ला करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके बाद जो खेल है, अच्छा इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शायद आप नाइट 1 h2 इस तरह से भी खेल सकते हैं, a4 बिशप f4, तो इस तरह से भी खेल कन्वर्ट हो सकता है। तो बिशप f4 जवाब दिया यहाँ पर मैक मिजोरन ने a4 चल के। तो यहाँ पर एक्चुअली में अब आपके लिए थोड़ा सा निर्णय करने का भी वक्त है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आने वाली चाल में जो है a3 एक चाल हो सकती है, तो फिर उसका आप जवाब कैसे देंगे। अगर आप मारेंगे तो पोजीशन ओपन हो भी सकती है, तो b3 करके भी खेला जा सकता है। लेकिन फिशर थे, उन्होंने उस मैच में क्या किया, a3 के उन्होंने a3 जो है अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर बिशप a3। बाद में कई खिलाड़ी आए जिन्होंने कहा कि शायद इस तरह की पोजीशन में वाइट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वाइट इंतजार कर सकता है
और अपना जो है किंग साइड जो है वो अपने आक्रमण को कंटिन्यू कर सकता है, और यहाँ पर जब भी आएगी तो ब्लॉकेडिंग की पोजीशन आएगी या जो भी आएगी, पर ब्लैक को व्हाइट को अवॉइड करना चाहिए क्वीन साइड से कुछ एक्टिविटी करना। खैर फिशर फिशर थे, फिशर की समझ हमसे और आपसे तो अलग ही थी। नाइट ए फाइव, कई खिलाड़ियों ने उसके उस समय कहा भी कि ये जो नाइट ए फाइव है ये मैकमिजोरन की एक बड़ी गलत चाल है, क्योंकि उनका जो घोड़ा है वो थोड़ा बोर्ड के किनारे की ओर जा रहा है, और हम जानते हैं कि नाइट ऑन द रिम इज अ डिम, किनारे की तरफ नाइट जो है वो कमजोर हो जाता है, और खासतौर पर नाइट करने क्या वाला है ये सवाल था। खैर फिशर ने अपना जो है यहाँ पर नाइट ई थ्री खेला, निश्चित तौर पर उनकी तैयारी जो है वो नाइट जी फोर जाने की है। तो यहाँ पर बिशप ए सिक्स लेकर के आए मैकमिजोरन, बिशप एच थ्री, बिशप एच थ्री एक तरह से प्रोफिलेक्सिस मूव है ताकि आप एफ सिक्स से ब्रेक नहीं दे पाओ, और ई सिक्स पे जो है वो प्रेशर बना रहे। तो यहाँ पर उन्होंने खेला डी फोर। अब ये जो डी फोर है यहाँ पर बहुत ही मजेदार वाक्य हुआ कि अगर आप मैं या कई कोई भी खिलाड़ी होंगे वो अधिकतर जो है नाइट को जी फोर पर लेके जाएंगे, बट फिशर जो है यहाँ पर नाइट को जो है वो एफ वन लेके गए, क्योंकि वो वापस इस स्क्वायर पर कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब नाइट ई फोर के थ्रू जाना चाहते थे, और आप देखेंगे कि आने वाले खेल में कैसे इसका प्रभाव खेल में पड़ा। तो नाइट डी सिक्स, निश्चित तौर पर उनकी तैयारी जो है वो नाइट डी फाइव आने की है। फिशर जो है यहाँ पे नाइट जी फाइव गए, नाइट डी फाइव, तो यहाँ पर बिशप डी टू खेला फिशर ने। अच्छा यहाँ पर उन्होंने जो मैकमिजोरन थे उन्होंने बिशप इनटू जी फाइव मार दिया। दरअसल क्या हो रहा था कि उन्हें लगा यहाँ पर निश्चित तौर पर शायद वो सी फोर करके खेल को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकते थे, उन्होंने जो वेरिएशन सोचा शायद कि अगर वो एच सिक्स करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एक सेक्रीफाइस आ रहा है, नाइट इंटू ई सिक्स, पॉन इंटू ई सिक्स, चेक, और अगर किंग एच जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो दो पीसेज जो हैं वो सिर्फ क्वीन के सपोर्ट पर टिके हुए हैं। तो फिर यहाँ पर आपको मैं अगर बिशप इंटू ए फाइव मारूंगा तो आपको एक मोहरा जो है यहाँ पर देना पड़ जाएगा, तो शायद इसी बात को उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने बिशप इंटू जी फाइव मार दिया। फिशर ने बिशप इंटू जी फाइव मारा, क्वीन डी सेवन एंड नाउ क्वीन एच फाइव। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वीन की एंट्री हो चुकी है, ये बिशप भी वहीं पर है, ये बिशप को खेल में कैसे आएगा ये आपको अभी मजा आने वाला है खेल में देखने में, और फिशर अभी बाकी के इन दो मोहरों को कैसे खेल में शामिल करेंगे वो आपको आने वाली कुछ चालों में नजर आएगा। उन्होंने जवाब दिया मैकमिजोरन ने रुक एफ सी एट, तो फिशर लेकर आए नाइट डी टू, निश्चित तौर पर अब तैयारी है एफ सिक्स स्क्वायर तक पहुंचने की। नाइट सी थ्री आए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट सी थ्री जरूर आके बैठ गए, लेकिन ये कितना इसका फायदा है ये देखने वाली बात है। तो फिशर ने जो है अपना अटैक जो है कंटिन्यू रखा, और फिशर ने अगली चाल जो है बहुत ही अच्छी चली, बिशप एफ सिक्स। अब आप देख सकते हैं कि क्वीन जो है वो, अब आप देखिए अगर आप यहाँ पर मारने के लिए जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाइट एफ सिक्स, ये भी खेल खतरनाक हो सकता है, और आप एक्सचेंज करते हैं, रुक ऊपर आएगा और फिर ये रुक यहाँ पे आ सकता है। दूसरा एक काम हो सकता है कि मैं सीधे पॉन से पॉन मार दूं और उसके बाद जो है नाइट ई4 लेकर के आऊं, तो ये जो स्थिति है वो भी खराब जो है हो जाएगी। आप देखेंगे अगर मैं सीधे ही मार देता हूं, और अभी मेटिंग थ्रेड्स लगी हुई हैं, तो ये जो है स्थिति खराब हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या खेला, उन्होंने यहाँ पर खेला क्वीन ई8। तो जवाब दिया फिशर ने नाइट ई4, मतलब एक और मोहरा लेकर के आ गए। तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया जी6, बहुत ही नेचुरल है, जब आपके ऊपर इतने सारे मोहरे आ रहे हो तो दबाव बनता ही है, और दबाव उन्होंने खेला जी फाइव। अब फिशर ने जवाब दिया क्वीन जी फाइव। दरअसल क्वीन जी फाइव के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था, फिशर जानते थे कि अभी अगर मैं एच सिक्स जाता हूँ क्वीन एच सिक्स, तो क्वीन जो है एफ8 आ जाएगा, और एक्सचेंज करने के लिए या तो उन्हें पीछे हटना होगा, तो वो सही समय पर जाना चाहते थे। तो वो सही समय को बनाने के लिए उन्होंने पहले अपने मोहरों को बेहतर किया। देखते हैं नाइट इंटू ई4, रुक इंटू ई4, और यहाँ पर ब्लैक ने किया सी फोर। अब ब्लैक समझ गए थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना देर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगली गुड मूव आई फिशर की तरफ से, एक और रुक को जो है खेल में शामिल करने के लिए उन्होंने खेला एच फाइव। तो एक पॉन और आगे बढ़ी और सीन टू डी थ्री। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लम्हा था, जब कोई भी खिलाड़ी, अधिकतर खिलाड़ी जो है वो शायद इस तरह से खेलना चाहेंगे। फिशर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ था, उन्होंने खेला रुक एच फोर। दोनों दोस्तों एक चाल की देरी खेल को खत्म कर सकती है सफेद के भी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्वीन बन सकता है और काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सोच समझ के खेलना होगा, पर फिशर की तैयारी पूरी थी, यहाँ पर बचाव के लिए रुके सेवन खेला, बट यहाँ पे दरअसल बचाव के लिए दोस्तों ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अगली जो चाल है वो मुझे लगता है कि खेल की सबसे बेहतरीन चाल है, और आपको सीखना चाहिए कि कैसे एक बड़ा खिलाड़ी धीरे धीरे अपने मोहरों को अटैक में लेकर आता है। मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दो मोहरों से काम हो जाएगा, नहीं, जितने भी मोहरे, ज्यादा से ज्यादा मोहरे जो एक्टिवेट करके वो ला सकते हैं, उनको सही स्क्वायर पे लाना, कैसे उनको जगह देना सही जगह, ये हम इन बड़े खिलाड़ियों से, खासतौर पर बॉबी फिशर से जो है वो सीख सकते हैं। बिशप जी टू खेला, मतलब बिशप ई फोर आने की तैयारी, यहाँ पर बॉबी फिशर के दिमाग में क्या चल रहा था देखते हैं। उन्होंने खेला डी इंटू सी टू, उनके विरोधी ने, मैकमिजोरन ने, एंड यहाँ पर अब आपके पास है दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, और आपके पास मेटिंग थ्रेड्स हैं क्वीन एच सिक्स के बाद।
क्वीन H6 आप देख सकते हैं, क्वीन F8, और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर मेटिंग थ्रेट लगी हुई है, फोर्स मेट है, और जैसी कि फिसर ने बोल्ड पे की वैसे ही पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर उठी उनके बारे में। क्वीन इंटू H7 आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वीन इंटू H7 के बाद अगर किंग इंटू H7 मारना तो फोर्स है। एंड नाउ H इंटू G6, यहाँ पर डबल चेक है, रुक से भी पॉन से भी, किंग इंटू G6 फोर्स और बिशप E4 चेक मेट। तो ये थे बॉबी फिशर और ये खेल था उनका किंग्स इंडियन ओपनिंग के ऊपर। दोस्तों ये सीरीज हमारी जारी रहेगी, हम और भी सारे खेल लेकर के आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस ओपनिंग में जो है अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बॉबी फिशर का एक कमाल का मैच था और मुझे पूरी उम्मीद है इस मैच को देखने के बाद आपको भी किंग्स इंडियन ओपनिंग से प्यार हो गया होगा। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।